दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे विलेज में खेती बाड़ी का जो सीज़न हो गया वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तकरीबन यहाँ पे गंदम की काश्त, आलू की काश्त और इसके अलावा सब्जियाँ जैसे कि टमाटर, मटर और दूसरी भी सब्जियाँ जो हैं उगाना स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने। मैं अभी इस टाइम मेरे अपने खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने गंदम की काश्त की है, तो इसका कुछ काम बाकी था तो मैं ज़रा इसको देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। और इस खेत में हमने चेरी के दरख्त भी लगाए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा खेत है, ये साथ में हमारे नेबर्स का भी यहाँ पे खेत लगे हुए हैं साथ में। ये जो चेरी के दरख्त हमने लगाए हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और अभी ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने गंदम की काश्त की है, तो अभी 3-4 दिन अभी हुए हैं, तो ये मज़ीद 2 या 3 हफ्ते बाद जो है ये उगना स्टार्ट कर देगा। और आसपास जो है अभी ये हमारे हमसाए हैं, ये अभी अपने खेत की सफाई करने काश्त के लिए, तो इनके साथ भी दरख्त लगे हुए हैं। तो आज धूप भी निकली है, वैसे तो काफ़ी सर्दी होती है, धूप निकला हुआ है तो गर्मी भी अच्छी खासी है। आज इतनी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर जो है अभी 10 पे पहुंचा है। ये जो व्यू है आप नज़र आ रहा है आपको, ये राकापोशी व्यू पॉइंट की चोटी नज़र आ रही है और इस पे हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हम आपको राकापोशी व्यू पॉइंट के बारे में मुकम्मल डिटेल्स देंगे। ये काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पहाड़ों के बीच में आप देख सकते हैं छोटा सा गांव है। मैक्सिमम इस गांव की आबादी जो है वो तकरीबन 4000 अफराद पर मुश्तमिल है।